क्लास ट्वेल्थ मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन 3। इफ एक फंक्शन दिया आपको f -5 to 5 बिलोंग्स टू R इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ Differentiable function and if f derivative of x अगर इसको differentiate कर देते हैं does not vanish anywhere then prove that f of -5 not equal to f of 5। देखेंगे सॉल्यूशन। हमें क्या दिया है कि ये जो फंक्शन है -5 से 5 r इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन Hence, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो दो चीजें आपकी होंगी। आप पहला तो द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5। इसे याद रख लो बेटा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा तभी डिफरेंशिएबल है। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उस हर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। वो अभी मैंने कर्व बढ़ा के बताया था, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो बीच में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। टेंजेंट ही कहां बनेंगे अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो। और दूसरा, क्लोज्ड इंटरवल पे अगर कोई कॉन्टिन्यूअस है तो ओपन इंटरवल पे भी कॉन्टिन्यूअस है। द फंक्शन एफ is continuous in open interval -5 or 5। ये open interval, भाई सिंपल सी बात है, अगर क्लोज इंटरवल एंड पॉइंट के बीच में कॉन्टिन्यूअस है तो ओपन पे भी कॉन्टिन्यूअस वो रहेगा। अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम है, एक और थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम। According to mean value theorem, mean value theorem क्या कहती है? जैसे Rolle's theorem कहती थी C exist करता है, ऐसे mean value theorem भी कहती है। There is a value C जो इनके बीच में होगी, which belongs to -5 and 5। सच दैट, और क्या कंडीशन है उसकी, एफ डेरिवेटिव एट सी इक्वल टू एफ ओ 5 बाद वाली वैल्यू माइनस एफ ओ -5 पहले वाली वैल्यू अपॉन 5 माइनस ऑफ -5। ये ए बी लेंगे तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है। मीन वैल्यू रोल्स थ्योरम में क्या था, रोल्स थ्योरम में था कि f of a इक्वल टू f of b। मीन वैल्यू थ्योरम में कहता है कि f of a नॉट इक्वल टू f of b। बाकी सारी चीजें वही है, जो तीन स्टेटमेंट रोल्स की थी मीन वैल्यू की भी वही है, बस उसमें कंडीशन क्या थी f of a इक्वल टू f of b, इसमें कंडीशन क्या है f of a नॉट इक्वल टू f of b। और उसमें f डैश ऑफ c उसमें जीरो था, और इसमें f डैश ऑफ c f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। ये तो दो चेंजेस हैं इसमें। लेकिन इसने कहा है कि वो खत्म नहीं होता, कहीं भी खत्म नहीं होता, यानी जीरो नहीं होता। बट इट इज गिवन दैट एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स
does not vanish. Anywhere. Hence, f derivative of c not equal to 0. ये 0 नहीं होगा. Therefore, एक मिनट बेटा. तो इसका मीनिंग है कि ये जो इसके इक्वल था, ये 0 नहीं होगा. यानी f of 5 minus f of minus 5 upon 5 minus 5, 10. Not equal to 0, 10 उधर चला जाएगा. और हम लिखेंगे f of 5 minus f of minus 5 not equal to 0. अब ये वाला उधर चला जाएगा, माइनस है तो उधर प्लस हो गया. f of 5 not equal to f of minus 5 proved. यही हमें प्रूव करना था. देखो मीन वैल्यू थ्योरम लगाई, f of c स्टेटमेंट लिखा, उसने कहा वैनिश नहीं होगा, तो f डेरिवेटिव ऑफ c नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया. दिस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई करके हमारा प्रूव हो गया. क्वेश्चन फोर्थ, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f ऑफ x equal to x square minus 4x minus 3 in the interval AB where A equal to 1. कहता मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करो. फंक्शन दे दिया x square minus 4x minus 3 interval AB और वेयर ए की वैल्यू 1 है एंड बी इक्वल टू दे दिया आपको 4. देखना आंसर, आपको क्या फंक्शन दिया है, आपको फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और x कहां से कहां तक दिया है, x आपको दिया है 1 से लेके 4 तक, 1 और 4 ये दो वैल्यू दे दी. तो फंक्शन f ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल तो कॉन्टिन्यूअस होगा, वही कंडीशन हमारी. फर्स्ट फंक्शन इज a पॉलिनोमियल फंक्शन, हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस in close interval minus 1 and 4. और जो भी continuous होता है वो differentiable भी होगा, ठीक है ना. तो second point में लिख लें, f is differentiable in open interval. Function f is differentiable in open interval 1-4. तो according to mean value theorem, according to mean value theorem, mean value theorem क्या कहती है, f dash c equal to f of b, b क्या है 4 है, minus f of a यानी 1 upon b minus a यानी 4 minus 1. ठीक, तो f डेरिवेटिव ऑफ c का क्या मतलब है, f डेरिवेटिव ऑफ c का मतलब मैं इन सब की वैल्यू निकाल लेता हूं. पहले तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे और इन सब की वैल्यू निकालूंगा मैं. f डेरिवेटिव ऑफ c, तो पहले f ऑफ c निकालो. f ऑफ c x की जगह c रखेंगे तो f ऑफ c आएगा c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 3. तो f डेरिवेटिव ऑफ c हो जाएगा 2c minus 4, इसको डिफरेंशिएट कर दो c के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया 2c minus 4. ठीक है, फिर मैं निकालूंगा f of 4. f of 4 कैसे, x की जगह 4 रख दो फंक्शन में, तो 4 का स्क्वायर minus 4 into 4 minus 3, तो ये हो जाएगा f of 4 16 minus 4 4 जा 16 minus 3, इससे ये कैंसिल यानी minus 3 आ गया.
अब मैं निकालूंगा एफ ऑफ वन, तो फंक्शन में एक्स की जगह वन रख दो, वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन माइनस थ्री, तो वन का स्क्वायर वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सिक्स, तो ये इन सब की वैल्यू आ गई है। पुट कर देते हैं वैल्यू किसमें, पुट ऑल दीज वैल्यूज, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, तो एफ डेरिवेटिव ऑफ सी की जगह ये पुट कर देंगे, टू सी माइनस फोर इक्वल टू एफ ऑफ फोर की जगह माइनस थ्री, माइनस में एफ ऑफ वन की जगह माइनस सिक्स अपॉन फोर माइनस वन थ्री, वो तो हो ही जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर ले तो टू सी माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री प्लस सिक्स अपॉन थ्री, तो टू सी माइनस फोर इक्वल टू थ्री अपॉन थ्री वन, तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं, टू सी इक्वल टू वन प्लस फोर फाइव और c इक्वल टू फाइव बाय टू। आप देखोगे कि जो फाइव बाय टू है ये क्या है, ये वन और फोर के बीच की वैल्यू है, वन और फोर के बीच की वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 वन और फोर के बीच में ही आता है, तो हमें यही तो है कि सी उसके बीच में है, ठीक है ना, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम कि जो सी आएगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा, तो हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन फिफ्थ, फिर इसने कहा वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इन इंटरवल ए एंड बी, वेयर ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू थ्री, वेयर ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू थ्री, फाइंड ऑल सी वन एंड थ्री फॉर विच एफ डेरिवेटिव ऑफ सी इक्वल टू जीरो। तो कह रहा है कितने भी सी हो वो सब निकाल दो, रोल्स थ्योरम तो कह रहा है कि एक वैल्यू होगी सी, ये कह रहा है बहुत सारे सी हो सकते हैं, वैसे रोल्स थ्योरम में भी कई सारे सी हो सकते हैं जहां पे जीरो होगी, तो ये भी कह रहा है जितने भी वन और थ्री के बीच में ऐसे पॉइंट हैं जिन पे टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा यानी एफ डेरिवेटिव सी इक्वल टू जीरो होगा, वो सारे पॉइंट और सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट करके हमें बताओ। तो देखना सॉल्यूशन, वही पहले फंक्शन लिख लो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल वन एंड थ्री। हम वही पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल वन थ्री, और कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल वन थ्री। तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम अब लिख लेंगे हम आगे, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम f dash of c equal to f of b minus f of a upon b minus a, वैल्यू पुट कर दे f dash of c, एक मिनट मैंने यहां पे ये फंक्शन जो है 5x क्यूब है, ये x क्यूब है और 5x स्क्वायर है और 3x है ये, तो f dash of c की दोबारा वैल्यू नहीं निकलवा रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, इसकी जगह c लिख के डिफरेंशिएट कर दो तो 3c स्क्वायर हो जाएगा, ये 3c स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10c माइनस 3, यानी x की जगह c रख के डिफरेंशिएट करने से f dash of c आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू f of b। पूरे फंक्शन में ये जो फंक्शन गिवन है
इसमें b यानी 3 की वैल्यू लिख दो, तो 3 की क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ 3, माइनस a यानी 1 की वैल्यू रख दो, 1 की क्यूब माइनस 5, 1 का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करके c की सारी वैल्यूज निकालनी है, यानी आपकी इक्वेशन बन जाएगी, उसे सॉल्व करना है। तो ये तो हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 3³ 27 माइनस 3² 95 या 45 माइनस 9 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे, देखना 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 27 माइनस 54, तो 27 माइनस 54 माइनस 27 माइनस 8, और ये माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 2, तो ये माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 10। 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू माइनस 10, ये भी इधर आ जाएगा, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10, तो प्लस में 7 इक्वल टू 0। अब इसके मिडल टर्म स्प्लिट करने हैं आपको, तो 7 और 3, और यहां भी 7 और 3, 3c² माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। नाइन्थ में आपने किए थे, एट्थ में किए थे, 3c कॉमन, c माइनस 3 माइनस 7 कॉमन, c माइनस ये 1, c माइनस 1 इक्वल टू 0, c माइनस 1 और 3c माइनस 7, तो c इक्वल टू 1 और 7 बाय 3, तो ये दो आपके आंसर आ गए, 1 और 7 बाय 3। लेकिन अब क्या है, हमारी वैल्यूज 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए, तो ओनली हेयर ओनली c इक्वल टू 7 बाय जो 3 है, वही 1 और 3 के बीच में आता है, हमें बीच वाली वैल्यूज चाहिए, कॉर्नर वाली वैल्यू नहीं चाहिए। देयरफॉर आंसर क्या है, देयरफॉर आंसर इज c इक्वल टू 7 बाय 3, यही रिक्वायर्ड आंसर है आपका, ठीक है।